4 आवर्स 1 डे के टाइम फ्रेम पे, तो आपको वहां पे दिख रहा है कि अब ट्रेंड में ऊपर जा रहा है, राइट। और वही स्टॉक अगर 5 मिनट 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको लगेगा वो स्टॉक नीचे आ रहा है, तो आपने समझ लो नीचे आ रहा है ऐसा लग रहा है और उसको शॉर्ट कर दिए, लेकिन वो अप ट्रेंड में है। डेली के टाइम फ्रेम पे वो ऊपर जा रहा है, लेकिन आप डेली का टाइम फ्रेम नहीं देखते, आप देखते हो 5 मिनट का 10 मिनट का टाइम फ्रेम और उस पे आपने कर लिया शॉर्ट, तो आप तो चलती ट्रेंड के आगे फिर से कूद गए, तो आप फंसोगे, बिल्कुल फंसोगे। आपके अगेंस्ट एकदम स्टॉक चला जाएगा, आपको लगेगा यार मैंने एंट्री कर ली और स्टॉक ऐसे कैसे हो सकता है, एकदम से ऊपर चला गया, ये टेक्निकल एनालिसिस वगैरह कुछ काम नहीं करता। तो मेरी एक बात यहाँ पे क्लियर कर लो कि बड़ी टाइम फ्रेम पे बिलीव करना, छोटी टाइम फ्रेम पे बिलीव मत करना। तो आ गए आप, इंट्राडे के बारे में डिस्कस करेंगे सब कुछ। आपने अगर इंट्राडे में पैसे गवाए हैं तो भी वीडियो देखिए, अगर आपने अभी शुरुआत की है तो भी ये वीडियो देखिए, अगर शुरुआत करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। तो देखिए कुछ चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत सारे चैनल पे गए होंगे, बहुत सारी स्ट्रैटेजी देख के आए होंगे, लॉस भी हुए होंगे, इसीलिए ये वीडियो देख रहे हो, सही है। तो सबसे पहली चीज, जो भी लोग आपको स्ट्रैटेजी सिखा रहे हैं, इंडिकेटर सिखा रहे हैं, वो आपको कोई ना कोई कोर्स बिल्कुल बेच रहे होंगे। उनके टेलीग्राम चैनल पे जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में देखो, सस्ते में 2000-3000 में आपको कोई कोर्स बेच रहे होंगे, कोई स्ट्रैटेजी सिखा रहे होंगे, तो वो स्ट्रैटेजी चले, उनका कोर्स बिके, इसीलिए तो वो ये स्ट्रैटेजी सिखा रहे हैं यूट्यूब पे। मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता कि सब फ्रॉड है, सब जेन्युइन नहीं है, बहुत सारे चैनल है वहां पे आपको सच में नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन सीखने को मिलेगी, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। लेकिन मुझे यहाँ पे बोलना है, कोई कोई इंडिकेटर लेके आते हैं, ये इंडिकेटर देख लो, ये स्ट्रैटेजी देख लो और मार्केट में बनाओ डेली का पैसा। बेचारे स्टूडेंट आते हैं, कुछ हाउसवाइफ आती है कि चलो मैं कुछ ना कुछ कर लेता हूँ, डेली का थोड़ा बहुत पैसा कमा लूंगा तो एंड ऑफ द मंथ मेरा खर्चा निकल जाएगा, ऐसी सोच से लोग आते हैं, किसी से उधार लेते हैं, घर वालों से लेते हैं, एग्जाम की फीस भरनी होती है उस पैसे से ट्रेडिंग कर लेते हैं और सब पैसा चला जाता है, तो तब उनकी आंखें खुलती है। तो ये मिस्टेक्स आप ना करो, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, किसी से पैसे उधार नहीं लेने हैं, ना क्रेडिट कार्ड से लेने हैं, ना लोन निकालना है, आपको अगर इंट्राडे करना है खुद का पैसा लेके आओ और ये मिस्टेक्स जो मैं नीचे बताऊंगा वो मिस्टेक्स को अवॉइड करो, और मैं सॉल्यूशन भी बताने वाला हूँ, उन सॉल्यूशन पे काम करना, देन आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव हो सकती है, शायद आप आपका पैसा ना गवाओ, कमाया नहीं तो अलग बात है, आप आपका पैसा नहीं गवाओगे। देखिए, नॉर्मली ट्रेडिंग करवा के लेते हैं हमसे ब्रोकरेज फर्म्स, ब्रोकरेज फर्म्स को रेवेन्यू मिलता है ट्रेडिंग से, डिलीवरी तो आजकल सभी फ्री कर रहे हैं, तो आप ये यूट्यूब पे जो इंट्राडे स्ट्रेटजी इंडिकेटर्स जो कुछ फंडे बेच रहे हैं उनके झांसे में न फंसते हुए आपके खुद के दिमाग से सोचिए, कुछ नेगेटिव चीजें भी देखना चाहिए जब हम कुछ नई चीजें करते हैं, सब पॉजिटिव पॉजिटिव करके, ये दुनिया ऑप्टिमिस्टिक है, होप पे चलती है, तो ये होप रख के आप आपका फाइनेंशियल लाइफ खराब मत कीजिए, ठीक है। दूसरी चीज देखिए, कुछ इंट्राडे ट्रेडर्स नई शुरुआत करते हैं, 10-20 दिन प्रॉफिट कमा लेते हैं, उसके बाद लॉस हो जाता है और जो पैसा कमाया है वो सब चला जाता है। तो दूसरी चीज यहाँ पे देखिए, मैं कुछ मिस्टेक्स जो मैंने थोड़ी देर तक सोचा मैंने क्या मिस्टेक्स किए जब मैं ट्रेडिंग करता था, आज मैं ट्रेडिंग नहीं करता, ये क्लियर कर देता हूँ, मैं करता हूँ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग जो कि सक्सेसफुल है, उसके बारे में भी मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। और दूसरी बात, इस पे सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, इंट्राडे एकदम नहीं करता ऐसा नहीं, कुछ टाइम मार्केट में वन साइड रैली आती है, ऊपर के साइड या नीचे के साइड, तब बिल्कुल आपको इंट्राडे करना चाहिए सोच समझ के, सब चीजें ध्यान में रखते हुए, लेकिन डेली आप इंट्राडे करोगे आप टिकने वाले नहीं हो। आपका एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है, मार्केट में 4-5 साल हो गए हैं, आपको मार्केट की चाल समझ में आती है, तो आप इंट्राडे करने की सोच सकते हो। देखिए मिस्टेक्स में देखो, आपको अगर ट्रेंड समझ नहीं आता है किसी स्टॉक ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है तो बिल्कुल इंट्राडे करने की मत सोचिए। देखो, कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है और वो हायर लो बनाने नीचे आया है और आपने उसे शॉर्ट कर दिया तो आप फंस गए, चलती ट्रेंड के नीचे आप कूद गए, तो ये मिस्टेक्स है। आपको अगर ट्रेंड नहीं समझ में आता तो आप उसमें इंट्राडे मत कीजिए, मतलब जिन लोगों को ट्रेंड ही नहीं समझ आता अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड तो इंट्राडे मत कीजिए, ये एक मिस्टेक्स है लोग करते हैं। दूसरी चीज, स्टॉक बढ़ रहा है, 1% बढ़ गया, 2% बढ़ गया, बाय कर लो, बहुत सारे टाइम ये स्ट्रैटेजी काम कर जाएगी लेकिन आप उसमें कभी ना कभी बहुत गंदे फंसोगे। सिर्फ स्टॉक बढ़ रहा है तो उसमें घुसना गलत बात है, क्योंकि वो रिट्रेसमेंट हो सकती है, थोड़ा ऊपर जाके जितना ऊपर गया था उससे दुगना तिगना नीचे आ सकता है, तो ये स्ट्रैटेजी गलत है, ऐसा मत कीजिए, ये एक मिस्टेक्स करते हैं लोग। दूसरा,
देखिए, कोई फ्रेंड बोलता है ये बाय कर लो, कोई यूट्यूब चैनल ये बोलता है ये बाय कर लो, कोई महागुरु ये बोलता है ये बाय कर लो, कोई टीवी पे चैनल लेते हैं कि ये बाय कर लो और उसके 5-10 मिनट बाद उसमें जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है और आप फंस जाते हो। तो ये स्टॉक्स आप अगर बाय करोगे तो आप फंस जाओगे, ये एक मिस्टेक्स है, इसको आपको अवॉइड करना है। नेक्स्ट इस पे चलते हैं। देखिए, आपको किसी स्टॉक से प्यार हो जाता है, मतलब देखिए कुछ लोग मैंने देखे हैं उनको आईसीआईसीआई बैंक बहुत पसंद है और वो आईसीआईसीआई बैंक को ही देखते हैं और उसी में ट्रेड कर लेते हैं। किसी स्टॉक के प्यार में नहीं पड़ना है आपको। आप अगर बोलोगे ना ये स्टॉक नीचे आ गया है और बहुत बढ़िया लग रहा है और मेरा तो फेवरेट है और बहुत बढ़िया बैंक है और मैं इसको बाय कर लेता हूँ और ये नहीं डूबने वाली, ऊपर ही जाएगी, तो आप फंस गए, आपका पैसा चला गया, लग गए, समझ लो आप। ठीक है, दूसरे देखिए, यहाँ पे कुछ लोग महाज्ञानी ऐसे करते हैं कि मार्केट में ये स्टॉक बहुत ही गिर चुका है तो मैं इसको ले लेता हूँ, थोड़ा ऊपर आ जाएगा। ऐसे हमें हमारे फंडे नहीं लगाने हैं, यहाँ पे हमारी स्ट्रैटेजी नहीं लगानी है। आप गंदे फंस सकते हो, आपका पूरा पैसा भी डूब सकता है एक ही दिन में। ठीक है, तो ये भी नहीं करनी है मिस्टेक्स कि बहुत नीचे है तो ले लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं करना है। देखिए, टाइम फ्रेम ये एक फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। मैं यहाँ पे बाजू में दिखाऊंगा, कोई स्टॉक आप अब बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे, 4 आवर्स, 1 डे के टाइम फ्रेम पे, तो आपको वहां पे दिख रहा है कि अब ट्रेंड में ऊपर जा रहा है, राइट। और वही स्टॉक अगर 5 मिनट 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको लगेगा वो स्टॉक नीचे आ रहा है, तो आपने समझ लो नीचे आ रहा है ऐसा लग रहा है और उसको शॉर्ट कर दिए, लेकिन वो अप ट्रेंड में है। डेली के टाइम फ्रेम पे वो ऊपर जा रहा है, लेकिन आप डेली का टाइम फ्रेम नहीं देखते, आप देखते हो 5 मिनट का 10 मिनट का टाइम फ्रेम और उस पे आपने कर लिया शॉर्ट, तो आप तो चलती ट्रेन के आगे फिर से कूद गए, तो आप फंसोगे, बिल्कुल फंसोगे। आपके अगेंस्ट एकदम स्टॉक चला जाएगा, आपको लगेगा यार मैंने एंट्री कर ली और स्टॉक कैसे कैसे हो सकता है, एकदम से ऊपर चला गया, ये टेक्निकल एनालिसिस वगैरह कुछ काम नहीं करता। तो मेरी एक बात यहाँ पे क्लियर कर लो कि बड़ी टाइम फ्रेम पे बिलीव करना, छोटी टाइम फ्रेम पे बिलीव मत करना। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक पे, नेक्स्ट इस पे चलते हैं, इंडिकेटर। अंधश्रद्धा पता है आपको, ये इंडिकेटर है। इंडिकेटर्स सभी काम के नहीं है ऐसा नहीं बोलूंगा, कुछ इंडिकेटर आपको मार्केट की डायरेक्शन दिखाएंगे, स्टॉक का डायरेक्शन दिखाएंगे, अप ट्रेंड दिखाएंगे, स्टॉक का स्ट्रेंथ दिखाएंगे, लेकिन इंडिकेटर देखकर इंट्राडे करना, इंडिकेटर ने सिग्नल दे दी तो पोजिशन बना ली, ये करोगे ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगे। इंडिकेटर पे बेचने वाले बहुत है मार्केट में, प्रीमियम सर्विस ये वो, प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर देंगे ये सब। ठीक है, देखिए दूसरी चीज, हम अगर फंडामेंटल्स को अवॉइड कर रहे हैं किसी स्टॉक को या किसी स्टॉक के न्यूज को अवॉइड कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ी एक मिस्टेक से मैं बोलूंगा। देखिए, समझ लो कि आज एसबीआई के रिजल्ट है, एसबीआई के रिजल्ट है और आपने उसे शॉर्ट कर लिया, तो हो सकता है उसने मार्केट आवर्स में रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया और बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है और मार्केट रिजल्ट शूट हो गया, वो स्टॉक शूट हो गया ऊपर के साइड और आप शॉर्ट में बैठे हो, तो ये तो मिस्टेक है। हाँ, हो सकता है अगर आप उस पर बुलिश हो और आपने बाय कर लिया और मार्केट में रिजल्ट भी अच्छा आ गया और स्टॉक भी ऊपर चला गया तो आप विन विन, आप अच्छे खासे पैसे भी बना लोगे, लेकिन फंडामेंटल्स अगर आप अवॉइड करते हो, समझो आप किसी स्टॉक में बाइंग में खड़े हो इंट्राडे में और उसके फंडामेंटल्स वीक है, वो डाउन ट्रेंड में है और वो गिर गया 2% से, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है मैं बोलूंगा। तो ये कुछ मिस्टेक्स है यहाँ पे मैंने डिस्कस करना इंपॉर्टेंट समझा। अभी इस मिस्टेक्स को हम कैसे सुधार सकते हैं, इस पे सॉल्यूशन क्या है। इंट्राडे में 90% लोग गवा देते हैं, ब्रोकिंग फर्म के भी यहाँ पे बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स है कि जहाँ पे क्लियर है कि बहुत सारे ट्रेडर गवा देते हैं। तो देखिए, मेरे ऑब्जर्वेशन से ये कोई ऐसा लिखित नियम नहीं है, किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैंने जो बुक्स पढ़े हैं, जो एक्सपीरियंस है, उन सबको ध्यान में रखते हुए मैंने ये कुछ सोल्यूशन निकाले हैं। देखिए, कुछ स्टॉक आपने अगर किसी स्टॉक को सिलेक्ट किया है तो उसका वॉल्यूम देखिए नीचे, उसको ऑब्जर्व कीजिए थोड़ी देर तक, उसमें स्ट्रेंथ कैसी है, मतलब वो बढ़ रहा है तो कैसा बढ़ रहा है। देखो, आपके यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा, आप अगर समंदर किनारे गए होंगे तो जब मराठी में उसको बोलते हैं भर्ती एंड ओहोटी, आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, जब भर्ती आनी होती है तब पानी देर देर बाद बाहरी बाहर आता जाता है। ठीक है, मतलब बाहरी बाहरी बाहर की तरफ पानी जाता है, और जब ओहोटी होती है तब पानी बाहर की तरफ टिकता नहीं है और अंदर ही अंदर चला जाता है। तो आपको अगर देखना है, अगर कोई स्टॉक बढ़ रहा है, अप ट्रेंड है, तो उसका प्राइस वहीं पे नहीं रहेगा, कंटिन्यूअसली अपर 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 जाता रहेगा, 10 पैसा बढ़ेगा, 20 पैसा ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, फिर 10 पैसा ऊपर जाएगा, तो उसका प्राइस ऊपर की तरफ टिक रहा है। समझ लो कोई स्टॉक गिर रहा है, डाउन ट्रेंड है उसमें, तो उसका प्राइस मैं बोलूंगा कि ऊपर टिकेगा ही नहीं, कंटिन्यूअसली नीचे ही नीचे चला जाएगा। तो ये आपको कुछ नेचर के लॉ भी यहाँ पे काम आएंगे,
आप सिंपली ऑब्जर्वेशन सबसे बड़ी स्किल है यहाँ पे। कोई भी स्टॉक का आपको वॉल्यूम देखना है, उसको ऑब्जर्व करना है, उसकी स्ट्रेंथ देखनी है, एंड देन टेक्निकल एनालिसिस में अप ट्रेंड है, कौन सा पैटर्न फॉर्म हुआ है, कहीं पे ब्रेकआउट आ रहा है, ये बेसिक कंसेप्ट आपके अगर क्लियर है तो आप अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हो। दूसरी चीज यहाँ पे देखिए, कोई स्टॉक पे रिजल्ट आ रहे हैं तो उस वहां पे भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ये एक सोल्यूशन हो सकता है। मतलब कोई स्टॉक के फंडामेंटल्स अच्छे हैं और मार्केट का सिचुएशन भी अच्छा है, तो उस जगह पे अगर वो बॉटम बनाया हुआ है तो आप उसे ले सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ, और वो आपको अच्छा पैसा दे सकता है इंट्राडे के हिसाब से भी। देखिए मैंने जैसे चार ट्रेडिंग एंड ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्लियर किया है, एक और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अगर आप इंट्राडे में पोजिशन बना रहे हो तो खुद से एक क्वेश्चन पूछना है, क्या मैं इस पोजिशन को कैरी कर पाऊंगा क्या। मतलब समझ लो मैंने स्टॉक ले लिया और वो 3% से नीचे है, तो इन वर्स्ट सिनारियो अभी मुझे लॉस बड़ा हो रहा है, 3% जा रहे हैं, तो मैं क्या इसको पोजीशन को कैरी कर पाऊंगा। अगर आपका आंसर हाँ है तो आप इंट्राडे कीजिए। मतलब समझ लो बहुत सारे फुल सर्विस ब्रोकर के पास आपको 4x लिवरेज मिलता है। 4x में जैसे मैंने 1 लाख पे 4 लाख के शेयर्स ले रहा हूँ, अगर मैं 1 लाख पे 4 लाख के शेयर्स ले रहा हूँ, मैंने 4 लाख की पोजीशन ली है और वो अनफॉर्चुनेटली पोजीशन अभी डाउन है 4% 3% से, मुझे लॉस हो रहा है, लेकिन मैं अगर कॉन्फिडेंस हूं वो स्टॉक जो लिया हुआ है वो अप ट्रेंड में है, ऊपर जाने के चांसेस है, लेकिन आज नीचे आया है तो मैं उसको कैरी करूंगा, कल मॉर्निंग को मुझे न्यूट्रल पे निकलने का मौका जरूर देगा, मुझे डिलीवरी पे चार्जेस लगेंगे, एसटीटी जीएसटी एक्सचेंज चार्जेस ये सब लगेंगे, लेकिन मैं उसको कैरी करूंगा तो मुझे लॉस बुक नहीं करना पड़ेगा। तो खुद से सबसे पहले पूछिए कि क्या ये पोजिशन मैं कैरी कर सकता हूं, उसी के बाद इंट्राडे ट्रेड लेना, ये एक सोल्यूशन है। दूसरी चीज देखिए, मार्केट पे व्यू क्लियर होना चाहिए। देखिए अभी समझो निफ्टी पे मेरा व्यू क्लियर है कि 15800 से ऊपर जाएगा, तो मुझे बाइंग के साइड ही ट्रेड बनाना चाहिए। अगर मार्केट पे व्यू नेगेटिव है और मैं बाइंग के साइड ट्रेड बना रहा हूं, थोड़ा बढ़ेगा लेकिन जितनी तेजी से वो बढ़ा उससे ज्यादा तेजी में वो नीचे आएगा, तो मार्केट पे व्यू क्लियर रखना इंट्राडे ट्रेड करने से पहले। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए रिस्क एपेटाइट, अगर आप 1 लाख से ट्रेड कर रहे हो तो एक ट्रेड में आपको 4% से ज्यादा नहीं गवाना है, आप क्लियर कर लो, एक ट्रेड में आप 4% से ज्यादा कैपिटल गवाओगे तो आप जल्द से जल्द मार्केट से बाहर हो जाओगे। आपको रिजिड बनना है, बिल्कुल रिजिड, रिस्क एवर्स बनना है, यहाँ पे रिस्क को कंट्रोल में रखना है, एक ट्रेड में ज्यादा से ज्यादा 4% गवाऊंगा कुछ भी वर्स्ट सिनारियों में। 1 लाख पे आप 4% गवा दोगे, 4000 जाएगा, आपके पास 96,000 है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा, राइट, आर यू एग्री विथ मी। तो 4% आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के चलना है, और वो ट्रेड अगर आप कैरी कर सकते हो तो मैं बोलूंगा 4% का रिस्क भी आप कैरी कर सकते हो, 2-3 दिन में निकल जाएगा, ठीक है। देखिए ये कुछ चीजें मैंने यहाँ पे डिस्कस की जो मेरे ट्रेडिंग के 5 साल के एक्सपीरियंस में मैंने नोटिस की है, आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर आपको इसमें कुछ भी एग्री होते हो, कुछ भी अगर बढ़िया लगता है तो नीचे मुझे कमेंट में बताइए। इस वीडियो को लाइक करना कि जो न्यू ट्रेडर है उन तक ये वीडियो पहुंचे, और आप अगर अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो कोटक सिक्योरिटीज का अकाउंट का लिंक मैंने नीचे दिया है, जिसमें कि इंट्राडे ट्रेडिंग फ्री है, डिलीवरी को भी ट्रेडिंग फ्री है अगर आपका एज बिलो 30 ईयर्स है, डिलीवरी को भी वो 0 ब्रोकरेज ले रहे हैं, और ट्रेड फ्री प्लान अगर आप 30 ईयर्स से भी बड़े हो तो ट्रेड फ्री प्लान है जिसमें कि इंट्राडे ब्रोकरेज 0 है, फ्यूचर ऑप्शन इक्विटी करेंसी डेरिवेटिव सब 0 है, सिर्फ डिलीवरी को आपको 0.25 पैसा ये आपको टर्नओवर पे ब्रोकरेज है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, ऐसे वीडियो मेरे चैनल पे आते रहेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर और लाइक जरूर कर देना। थैंक यू।